ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 15 रोटेशंस पर सेकंड स्लोज डाउन टू 5 रोटेशन पर सेकंड इन 50 रोटेशंस. नाउ फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा. सो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या दिया है. उन्होंने हमें दिया है रोटेशंस पर सेकंड. 15 रोटेशंस पर सेकंड से 5 रोटेशन पर सेकंड पे आ रहा है एक फ्लाई व्हील. फ्लाई व्हील मीन्स एक डिस्क होता है जो अपने अराउंड ओन एक्सिस के अराउंड घूमते रहता है. अभी 5 से 15 की तरफ आने के रोटेशंस पर सेकंड होने के लिए उसे 50 रोटेशंस करने पड़ते हैं. सो यहाँ पे गिवन में आई विल राइट कि समझो यहाँ पे इनिशियल रोटेशंस जो थे वो थे 15 रोटेशंस पर सेकंड. और अगर रोटेशंस पर मिनट रहते तो रोटेशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रोटेशंस पर सेकंड में है तो हमें कुछ इसका ज़्यादा इशू नहीं आने वाला. सो इनिशियल फ्रिक्वेंसी हम लोग बोल देंगे 15 रोटेशन पर सेकेंड और फाइनल फ्रिक्वेंसी हम लोग बोल देंगे 5 रोटेशन पर सेकेंड. और कितना रोटेशन लग रहा है इसको, तो रोटेशंस मीन्स व्हाट. इफ़ आई एम हैविंग अ फ्लाई व्हील एंड दैट फ्लाई व्हील इज़ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, तो उसको 50 रोटेशंस कंप्लीट करना है. अभी 50 रोटेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर रहा है. तो फिर ये जो 50 रोटेशंस है उसको मुझे अगर एंगल्स में लिखना पड़ेगा तो 50 रोटेशंस यानी एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2π, दैट इज़ 360 डिग्री. तो 2π से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर जो कुछ भी थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो ये बन गया 100 इंटू पाई रेडियन. तो हम लोग ये थीटा का वैल्यू यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है. लेकिन अभी हमारे पास कौन कौन से इक्वेशंस है. सो वी हैव दिस इक्वेशन, वी हैव दिस इक्वेशन एंड हमारे पास थीटा का 100 पाई रेडियन वाला इक्वेशन है. तो इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए जो लीनियर में है. अब ये रोटेशनल कंसेप्ट है लेकिन लीनियर का भी कोई ना कोई तो पार्ट इससे रिलेट होगा, एनोलॉजी रहेगा इसका. तो वो है v² = u² + 2as. ये इक्वेशन है हमारे पास. अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, दैट इज़ v² - u² = 2as लिखूँगा और फिर एक्सेलरेशन एक साइड पर रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगुलर बोला है, मैं लीनियर इन टर्म्स ऑफ लीनियर सोच रहा हूँ. तो v² - u² / 2 को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, s को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, तो बचा क्या, a, दैट इज एक्सेलरेशन बचा. अभी ये जो फॉर्मूला है वो लीनियर में है, लीनियर मोशन में है और उसका ही एनालॉजी इन रोटेशनल मोशन क्या है, a बन गया अल्फा, v² जो है हमारा वो है ओमेगा एफ स्क्वायर, दैट इज़ फाइनल एंगुलर स्पीड, माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 times दैट ऑफ थीटा. तो ये फॉर्मूला हमें अभी यूज़ करना है इस इक्वेशन में. सो लेट अस सी कि हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं. तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 times ऑफ थीटा. लेकिन अगर हम ओमेगा के बारे में बोलेंगे तो ओमेगा इज 2πn. तो अगर मुझे ओमेगा एफ लिखना है तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा 2πnf करके, और मुझे ओमेगा आई लिखना है तो फिर ये बन गया 2πni. सो nf और ni मेरे पास ऑलरेडी है गिवन में, nf एंड ni जो 15 और 5 है, और थीटा भी है मेरे पास, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकता हूँ. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 2πnf द होल स्क्वायर माइनस 2πni द होल स्क्वायर. ये तो हो गया न्यूमरेटर. अभी डिनोमिनेटर में 2 times ऑफ थीटा. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 2π कॉमन है, उनका स्क्वायर लेके हम लोग
कॉमन बाहर ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में बच गया एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू ओके सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो थीटा है उसके जगह पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे थीटा की, जो है 100 टाइम्स पाई। इसको हम लोग ने सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एन एफ, अभी हमें एन एफ कितना है, फाइनल फ्रिक्वेंसी 5 है और इनिशियल 15 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट, और नीचे हो जाएगा 200 पाई। सो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे जाके हम लोग और कैंसिलेशंस करेंगे। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, या फिर हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर देते, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो बचा क्या हमें, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 225, दैट इज 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50 जो है वो। अभी यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200 अपॉन 50 हमें मिला है। सो अल्फा 0 एंड 0 कैंसिल, दैट इज माइनस ऑफ 4, और ये हम लोग ने पाई को भूल गए यहाँ पे, तो ऊपर पाई भी है तो उसे भूलना नहीं है, तो यहाँ पे पाई लिखेंगे हम लोग। सो 4 पाई। अभी पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ 4 इंटू 3.142। सो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस साइन। सो अल्फा इज इक्वल टू -12.568 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से, यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड यूनिट विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू आर सॉल्विंग। थैंक यू।